अब हम जा रहे हैं यूटेंसिल्स गैलरी में। पहले ऐसे ही होते थे भाई, इतने बड़े बड़े पांडे से, क्योंकि बहुत सारा खाना एक साथ पकता था ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, वो मैं आपको फिर फटाफट इन द वन गो में दिखा देता हूँ सारा। ये आटा चक्की है और ये जो आप देखते हो ना नींबू पानी का लेमन जूसर, ये वो है। ये रोलिंग पिन बेसिकली बेलन, जो अगर आपने देखा हो, अगर कोई बच्चा ये व्लॉग देख रहा है तो आप बताओ आपने कभी इसको देखा है क्या? आपके घर में आज भी ऐसे कोई लस्सी या दही बिलोता है? छाछ जिससे बनाई जाती है। और ये है भैया आपका नूडल मेकर, मटेरियल को ऐसे गोल गोल घुमाते जाओ और ये नूडल बनती चली जाएगी। ये पिज्ज़ा काटने की टेक्नोलॉजी उस टाइम की। ये भाई वेजिटेबल कटर उस टाइम के, ये तो मुझे याद है, मैंने देखा मेरे गांव में था दादी के पास। अपने घर में कभी देखा है कि वेजिटेबल काटने के लिए आपके यहाँ कोई पुराना ऑर्नमेंट हो? तो अगर है तो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना और फोटो शेयर करना। ये भाई चूल्हा, होए होए चूल्हे से याद आया, चूल्हे की रोटी। वैसे तो मैं अपने गाँव ज़्यादा गया नहीं, बट चूल्हे की रोटी, होए होए, और सिंपल दाल या कढ़ी और उसके बाद प्याज, भाई मुँह में पानी आ गया। चूल्हे की रोटी धीमी आंच पर पकती है ना, तो पकती बहुत ज़बरदस्त है, अंदर से करारी होती है यार बस। और ये कोई तो रखा है वुड का ये सारा। आप जा रहे हैं टेक्सटाइल गैलरी और लैम्प गैलरी में, जो कि है सेकंड फ्लोर पे। ये हो गया कपड़ा, टेक्सटाइल गैलरी पे आ गए। ये पाउचेज हैं जिसके अंदर अपनी मम्मी होता था ना, पैसे छुपा के अंदर डाल लेती थी। मुझे मराठी ड्रेस बहुत है, आप बताओ क्या आपको अपने पूरे इंडिया कल्चर जो है उसके हिसाब से सबसे अच्छा जो कल्चरल ड्रेस होता है या एथनिक वेयर होता है वो आपको सबसे कौन सा बेस्ट लगता है? मतलब मुझे मराठियों का ना वो इधर कान में बाली डालना वो सब बड़ा प्यारा लगता है। अब आगे हम थर्ड फ्लोर पर श्री कृष्णा जी की एक झांकी, जिसमें उनकी 8 वाइफ्स एंड सुदामा जी भी हैं, जो नीचे जी इधर जो बैठे हैं ये कृष्णा जी हैं, इनकी 8 रानियाँ बीवियाँ, और बीच में है सुदामा जी। ये इस प्रतीक में कृष्णा एंड राधा जी हैं। ये श्री लक्ष्मी जी का स्टैचू है अपने, और मेरे प्यारे शिवा जी, गणपति जी और पार्वती जी। ये सारी ट्राइबल आर्ट्स हैं जी, बस आपको दिखाने के लिए कि उस टाइम पे लोग कितने क्रिएटिव रहते थे। और ये 19th सेंचुरी के सारे, ये बताओ कौन सा टेंपल है ये? भैया हम अब आगे लैंप गैलरी। पहले जब मैं छोटा था ना, 4-5 साल का, तब मेरे घर में था ये सेम पार्ट, एनिमल शेप नट कटर। यहाँ से जो नट्स होते हैं ना अखरोट, उसको काटने के लिए सारे वो। ये लाइम कंटेनर, छोटे लैम्प, स्मॉल लैम्प्स, छोटे बड़े सारे इसमें देख रहे हो छोटे छोटे। ये बेसिकली बीटल बॉक्सेस, बीटल बॉक्सेस किस लिए था ये मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताओ यार ये क्या था वो। और ये है शिप लैम्प, और ये घोड़े के ऊपर जो घोड़े का नेकलेस। और अब जा रहे हैं सबसे मोस्ट अमेजिंग पार्ट, जो कि है मस्तानी महल। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि हमारी हिस्ट्री में लिखा है कि मस्तानी नाम का कोई पर्सन ही नहीं था, तो मस्तानी महल क्यों है? ये अब अगर म्यूज़िक गैलरी में जहाँ पे सितार वगैरह और सब है, और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है ये कैसे बजता है। ये भाई गिटार के कॉर्ड कसने में इतना टाइम लग जाता है, इसमें तो कितना टाइम लगता होगा कि हर एक जैसे, अरे ये वीणा ही है और अलग अलग शेप में, तो क्या सब में अलग साउंड आएगा या एक जैसे ही साउंड आता है? जैसे ये भी सेम चीज़ है, ये भी तो सब में क्या अलग, आई थिंक आता ही होगा शायद अलग अलग साउंड तो मे बी। ये क्या है, स्वर मंडल बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या चीज़ है। तो जा रहे हैं मस्तानी महल की तरफ, जिसका मुझे काफ़ी इंतज़ार था। ये है मस्तानी महल, इतनी शांति कैसे हो गई। मेरे को भी कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूजन ये है कि जब शनिवार वाड़ा में थे तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी थी कि भाई मस्तानी नाम का कोई ऐसा है ही नहीं, बट यहाँ पे मस्तानी महल, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मस्तानी महल बेसिकली उनका नाम जोड़ा गया था पेशवा बाजीराव वन से, और मस्तानी जो थी वो बुंदेलखंड के राजा की बेटी थी और बहुत सुंदर मानी जाती थी और बहुत ही बहादुर लड़की होती थी, ऐसा इसमें जो लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद उसी के लिए मस्तानी महल बनाया गया था। ये पूरा स्टोरी बताई गई है, जैसे मस्तानी इधर से आई थी, ये स्टोरी उसकी बताई गई, फिर इधर यहाँ पे लड़ाई हुई है, पूरा एक स्टोरी फॉर्मेट है जिसमें उनके बाद जैसे बाजीराव मस्तानी मूवी में दिखाया गया है, जैसे यहाँ से उनके बच्चों को खींचा जा रहा है, अलग किया जा रहा है जब पेशवा नहीं रहे, ऐसा कुछ। ये घोड़े हाथी के ऊपर कूद से हुए, जो लड़ाई हो रही है यहाँ पे, हथियार चलाए जा रहे हैं। और ये है भाई चैत्रा गौरी क्रेडल, जो हमारा छोटा सा झूला जो ऐसे सस्ता है। उसके बाद ये अपना, मैं नहीं बताऊँगा, ये कमेंट करके खुद बताओ, इतनी अमेजिंग चीज़ दिखा रहा हूँ, बताओ ये किस चीज़ का प्रतीक है? पहले ज़माने का चेस कुछ ऐसा दिखता था, ये प्लेइंग कार्ड्स पत्ते जो ऐसे खेलते थे। और ये झूलने के लिए घोड़ा, गैल्पिंग हॉर्स,
अरे हाथी राजा बहुत बड़े सूंड उठा के कहाँ चले गए। तो ये सारी जो है टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे जो वहाँ पे आप घूम सकते हो। सबसे पहले शनिवार वाड़ा, ओशो आश्रम, केलकर संग्रहालय, आगा खान पैलेस, शिंदे छतरी, पार्वती हिल है बेसिकली ये। हम गए थे बट उसमें कुछ खास नहीं मिला तो हमने फिर वो किया ही नहीं। सारस बाग है, पातवेश्वर लेनी हम नहीं गए, विश्राम बाग वाड़ा हम नहीं गए, फूले वाड़ा हम नहीं गए, लाल महला हम चले गए और मंडई हमने बार बार से देख लिया। तो गाइस हमने सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं आज और अब जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ और बस अब हॉस्टल लाइफ भी भाई बहुत हो गई, अब होटल चाहिए। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, बाकी अभी कैफे आपको अंदर से दिखाऊंगा जो हॉस्टल है वो काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा है। तो ये है बॉस हमारा हॉस्टल और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। तो ये हमने इधर हॉस्टल खोल दिया, ये हॉस्टल के एंट्रेंस पे अपना कैफे और अंदर कैफे, अंदर कैफे का एंट्रेंस, यहाँ अंदर हॉस्टल की तरफ चले जाएगा और ये यहाँ का बैकयार्ड एंट्री जहाँ बैठ के चिल कर सकते हो, बड़ी चार्जेबल प्लेस है। और ये हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ अंदर ऊपर। और ये है भाई अपना हॉस्टल का रूम, पर दिक्कत यह है कि यहाँ पे कर्टेंस वगैरह नहीं है प्राइवेसी के लिए, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा और पर्सनल फैन नहीं है जो अगेन एक बड़ी प्रॉब्लम। तो हमारे हॉस्टल के साथ ये बढ़िया सा कुछ दिखा है, इसके अंदर जाते क्या है भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार, ये कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई जब इस शॉप में एंटर हुए हैं तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, तो आप में से कोई अगर ये अब पता नहीं कौन से फीचर्स है और दिस इज ऑल अबाउट 2,79,000, तो पर भाई कलाकारी जो डिटेलिंग है सी, ऐसा लगेगा कि लाइव क्रिएचर जो है वो जिंदा हो गया है और देखने में बहुत ही अमेजिंग। ये देखो डिटेलिंग देख रहे हो, तो गाइस अगर आप एनिमे फैंस हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ आना चाहिए। और यहाँ पे इतने कलेक्टेबल्स हैं, मतलब आप खरीदते खरीदते थक जाओगे पर आपके पास जगह की कमी पड़ जाएगी क्योंकि इतने तो मुझे लगता है कोई रख भी पाएगा। अमेजिंग स्टफ मुझे पसंद आया ये, ओ नाइस यार, सेक्सी यार।